हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले कि टेली में कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारे सामने टेली ERP 9 ओपन है और इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि कंपनी नए कंपनी को हम कैसे क्रिएट करेंगे। कंपनी में 9 कंपनी है तो यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं है। आप नीचे एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप क्रिएट कंपनी के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जैसे आप चूज करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे नेम ऑफ कंपनी डालेंगे। तो हम यहाँ पे कंपनी नाम डाल देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। तो मेलिंग नेम आप चाहें तो इस कंपनी के नाम को ही रख सकते हैं या फिर कुछ और भी आप रख सकते हैं। अभी हम इसे ही रहने देते हैं, फिर एंटर प्रेस करेंगे और अपने फुल एड्रेस को आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। और फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपने पूरे एड्रेस को डालना है। तो फिर से हम धनबाद डाल देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। और भी कुछ एड्रेस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो फिर एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे आपके कंट्री इंडिया है तो इंडिया ही रहने देंगे। और स्टेट में आप जाएंगे और जो भी आपके स्टेट नेम है उसके 2 अंक को एंटर करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टेट आ जाएगा। उसे आप सेलेक्ट करने के लिए सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। फिर से पिन कोड आ गया तो यहाँ से आप पिन कोड डाल देंगे और सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। आपके पास कोई फोन नंबर है तो फोन नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे, अगर नहीं है तो सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ आप अपने एंटर कर देंगे और सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। फैक्स नंबर है तो वो एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी है तो वो आप एंटर कर देंगे यहाँ पे और सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। वेबसाइट है तो अपने वेबसाइट को यहाँ पे डाल देंगे। और सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। अब आपके सामने आ जाता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो आप जिस भी डेट से अपने फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक ये 1 अप्रैल 2023 के यहाँ पे शो करता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 24 भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपली एंटर प्रेस कर लिए हैं और फिर से एंटर प्रेस कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी में कोई पासवर्ड सेट करना चाहें तो आप यहाँ पे उस पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम कोई पासवर्ड सेट नहीं करने वाले, सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से भी यूजर कंट्रोल यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करने वाले, सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। और आप चाहते हैं कि करेंसी सिंबल को चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इंडियन रुपीज का सिंबल है तो ये ठीक है अभी हमारे लिए। तो हम सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, फॉर्मल नेम INR ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट यहाँ पे सिंपली जैसे ऐसे ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये 2 है तो वो ओके है, रहने देते हैं। फिर यहाँ पे नीचे पल्स है, इसको भी रहने देंगे, सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। और लास्ट में आपके पास आ जाएगा एक्सेप्ट, तो यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके कंपनी बन के रेडी हो जाता है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेम ऑफ कंपनी। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप किसी भी कंपनी को एडिट कैसे कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं या फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे SMTC धनबाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टेली के कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप DCA DCA कोर्स को करना चाहते हैं या फिर टेली कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।